हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। आपके एम्स नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बायोलॉजी मॉक टेस्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एम्स पैरामेडिकल के और एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, प्लांट रिसीव्स देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम। ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट, सॉइल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके ऑप्शन में सॉइल दिया है तो आपको सॉइल पर ही क्लिक करना है। वैसे तो प्लांट क्लोरोफिल, एटमॉस्फेयर, लाइट और सॉइल चारों से ही न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, बट अगर सॉइल दिया है तो आपको सॉइल पर ही क्लिक करना है। तो आंसर 4 इज़ करेक्ट। पॉलिनेशन इज़ बेस्ट डिफाइंड एज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेकेंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, थर्ड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल, फोर्थ विजिटिंग फ्लावर बाय इंसेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन क्रैब एंड हनी बी। तीनों में कॉमन क्या है? तो सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन क्रैब और हनी बी फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और अर्थ्रोपोडा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोट फ्रॉम यूकैरियोट्स इज। ऑप्शंस आर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो जो कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट से डिफ्रेंशिएट करता है वो है ऑप्शन 4, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो इसको आप कैसे याद करोगे? तो HMELMP, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। HME हैव मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स, लैक मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स। H4 हैव, M4 मेम्ब्रेन, E4 यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन होता है और प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होता, तो लैक मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन हमें 9th क्लास से ही पढ़ा दिया जाता है। तो इसका बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है कि प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज बाइनियल। ऑप्शंस आर बनाना, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, कैरेट। तो बाइनियल प्लांट कौन से होते हैं? दोज प्लांट विच कम्प्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन बाइनियल प्रोड्यूस रूट, स्टेम एंड लीव्स, एंड ड्यूरिंग सेकेंड ग्रोइंग सीजन दे प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, एंड देन दे डाई। तो जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल 2 ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट करते हैं। तो इसका एग्जांपल पाइनएप्पल सही हो जाएगा। द शेप ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इज स्फेरिकल इन शेप, रोड लाइक शेप, स्पाइरल लाइक शेप, कोमा लाइक शेप। तो जो आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, हमेशा याद रखिएगा स्फेरिकल शेप का। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सी वीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, आयोडीन। सी वीड्स में आयोडीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। एफोरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। एफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो आप डिफोरेस्टेशन का देखिए, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, तो एफोरेस्टेशन का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट रिएक्शन इज नोन एज हिल रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन इज नोन एज। ऑप्शंस आर डार्क रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक मैन रिएक्शन, डार्क मैन रिएक्शन। तो जो NCERT का ही क्वेश्चन है, हिल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं और डार्क रिएक्शन को कहेंगे ब्लैक मैन रिएक्शन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है।
वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लीफ। वेनेशन का इन्होंने मीन्स तो दे दिया कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लेकिन उस लीफ की अरेंजमेंट कहाँ पे? ऑन द स्टेम, ऑन द रूट, इनसाइड द बर्ड, आउटसाइड द बर्ड। तो जो वेनेशन का होता है वो लीव्स कहाँ होती है? स्टेम पर होती है। तो ऑन द स्टेम ऑप्शन वन इज करेक्ट। अ प्लांट ग्रोइंग इनसाइड अनदर प्लांट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज सिम्बायोटिकली इज कॉल्ड। अब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं? एक प्लांट के अंदर दूसरा प्लांट ग्रो करना डिफरेंट स्पीशीज का। ऑप्शंस आर पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सेमी पैरासाइट, एंडोफाइट। तो इसका आंसर फोर सही है, एंडोफाइट। क्वेश्चन 13। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज प्रपोज इन इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी किसने दी थी? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डेवरीज। तो ऑप्शन वन डार्विन ने दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आंसर वन। टेप्टम मीन्स, क्वेश्चन 14, टेप्टम मीन्स। सबसे पहले टेप्टम का मीनिंग क्या होता है? टेप्टम होता क्या है? तो टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ लेयर इन द एंथर। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट होती है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम मिडल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट जो होती है वो टेप्टम होती है। और टेप्टम क्या होती है? एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो आंसर फोर्थ, आंसर इसका फोर्थ सही हो जाएगा, न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्वेश्चन 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मैडन हेयर फर्न। मैडन हेयर फर्न किसे कहते हैं? पॉलीट्राइकम, जिनेटम, पाइनस, एडियंटम। तो इसका है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, एडियंटम। विच टेरिडोफाइट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, सिलोटम, एडियंटम। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस। तो जो डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे उन्हें कहते हैं हम हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल है यहाँ पे सिलेजिनेला, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। एनसीईआरटी में आप होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों के दो दो एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप लर्न कर लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिलेजिनेला, ऑप्शन टू करेक्ट है। क्वेश्चन 17। अ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब एसोसिएटेड विद फर्न अजोला इन राइस फील्ड इज। ऑप्शन से फ्रेंकिया, राइजोबियम, स्पायरुलिना, एनाबेना। तो मैंने जैसे याद किया है, मुझे अगर मेरे सामने क्वेश्चन में एजोला है और राइस फील्ड है तो मैं ऑप्शन हमेशा एनाबेना करेक्ट करती हूँ। एजोला के साथ हमेशा एनाबेना आएगा। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद द फर्न अजोला इन राइस फील्ड इज एनाबेना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज अ सक्सेसफुल बायोफर्टिलाइजर इन इंडियन राइस फील्ड। अब जो मैंने ऊपर राइस फील्ड, अगर आपको राइस फील्ड दिखे तो आप एजोला पे क्लिक कीजिएगा। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, राइजोबियम, एकेशिया अरेबिका, एकेल्फिया इंडिका, एजोला पिनाटा। तो इंडियन राइस फील्ड, राइस फील्ड में बायोफर्टिलाइजर एजोला यूज़ होता है, तो अजोला पिनाटा। अगर आपको राइस फील्ड दिखे तो आप अजोला का, क्वेश्चन में आपको राइस फील्ड दिखता है तो आप अजोला पर क्लिक कीजिए आंख बंद करके। और अजोला के साथ आपको अगर किसी की एसोसिएशन है तो वो अनेबेना की होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अजोला पिनाटा। क्वेश्चन 19। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाय। ए फ्रेंकिया, एजोराइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ एलनस, एलनस के साथ हमेशा फ्रेंकिया आता है, एनसीईआरटी में भी दिया है। एलनस के साथ आपका ऑप्शन ए फ्रेंकिया करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्सेशन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सॉरी कन्वर्जन। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज। विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी,
विटामिन B12, विटामिन ई। तो आपका जो विटामिन B12 है वो आपके कर्ड बनाने में हेल्प करता है बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माइक्रोहाइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन इन्हेंसिंग इट्स फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी, बी इंक्रीजिंग इट्स टॉलरेंस टू ड्रॉट, इन्हेंसिंग इट्स रेजिस्टेंट टू रूट पैथोजेंस, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीजिंग इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज अ प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट, सिर्फ आपको इतना नाम याद रखना है, प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो ऑप्शंस आर फंजाई, प्रायोन्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है हमारा प्रायोन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड ग्रोथ मीडिया, सस्पेंशन मीडिया, कल्चर मीडिया, कॉलोनियल मीडिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कल्चर मीडिया। क्वेश्चन 24, साइनोबैक्टीरिया आर, ऑप्शन आर हेटरोट्रॉप, कीमोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑटोट्रॉप। अब ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग लाइट, वाटर, CO2 एंड अदर केमिकल्स। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बनाने वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉप है। क्वेश्चन 25, सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डैश, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी स्पिंडल, ऑप्शन सी सेल प्लेट, ऑप्शन डी टू स्टार्ट सेल डिवीजन। सेंट्रियोल्स किस में पार्ट लेते हैं आपके, स्पिंडल फॉर्मेशन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गन दैट कंटेन अ स्मूथ मसल, यूट्रस ओनली, आयरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं इसमें एग्जाम्पल्स में ऑप्शंस में जो दिए हैं इन सब में हमारी स्मूथ मसल्स ही होती है, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, एन ऑर्गेनेल दैट मेनली सर्व एज अ पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेल एंड आर कॉल्ड। पैकेजिंग, अगर आपके क्वेश्चन में पैकेजिंग पूछा जा रहा है तो उसका आप आँख बंद करके गोल्जी अपैरेटस लगा सकते हैं। ऑप्शंस वैसे गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड, डी वैक्यूल। लेकिन अगर आपको पैकेजिंग पूछी गई है तो वो गोल्जी अपैरेटस ही होगा। अगर आपके क्वेश्चन में पैकेजिंग वर्ड है तो आपको गोल्जी अपैरेटस पर ही टिक करिएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28, हु प्रपोज्ड अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन आर लीनस, बेंथम हुकर, एरिस्टोटल, आर एच विटेकर। तो लीनस ने हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द राइट डिस्क्रिप्शन फॉर फंजाई, नॉन क्लोरोफाइलस, हेटरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बी क्लोरोफाइलस, हेटरोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सी नॉन क्लोरोफाइलस, हेटरोट्रॉपिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, डी क्लोरोफाइलस, ऑटोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई का राइट डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑप्शन ए सही है, नॉन क्लोरोफाइलस, हेटरोट्रॉपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नॉन क्लोरोफाइलस क्या होते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अब क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो हेटरोट्रॉपिक हो जाएंगे, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नॉन क्लोरोफाइलस, हेटरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रू न्यूक्लियस, ऑप्शंस आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे। तो फॉलोइंग किंगडम कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद अ ट्रू न्यूक्लियस, तो आपका ऑप्शन प्रोटिस्टा सही हो जाएगा, बी, आंसर बी। क्वेश्चन 31, व्हाट इज आर प्रेजेंट इन प्लांट बट एब्सेंट इन फंजाई, काइटिनियस सेल वॉल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सेंट्रियोल्स।
अब ऊपर जब हम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो वहाँ था नॉन क्लोरोफाइलस। नॉन क्लोरोफाइलस का मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं होगा, तो जो एब्सेंट होता है फंजाई में वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। NO2 इज कन्वर्टेड टू NO3 बाय विच बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, डी बैसिलस वल्जेरिस। तो जो NO2 का कन्वर्जन है NO3 में वो बैक्टीरिया करता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट टू, आपसे क्वेश्चन में नाइट्राइट टू नाइट्रेट भी पूछा जा सकता है, NO2 ना देकर नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो वो नाइट्रोबैक्टर करता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 33। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैंगनीज? प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस, डी न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। तो मैंगनीज का फंक्शन क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इंक्लूड बिजरनिकिया, रोडोस्पाइरिलम, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। तो जो आपका फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है आपका रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम आंसर बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 34। बायोटिन कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? बायोटीन में क्या होता है? सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सल्फर। बायोटीन में सल्फर होता है। क्वेश्चन 36। ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट फ्रॉम सोइल एक्सेप्ट फोर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन। तो इनमें से जो हमें सोइल से मिलते हैं वो है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन हमें प्लांट्स को न्यू एटमोसफियर से मिलता है, जब वो CO2 लेते हैं और O2 देते हैं तो वहाँ से इन्हें कार्बन मिलता है। तो कार्बन जो लिया जाता है प्लांट्स के थ्रू वो होता है एटमोसफियर से, बाकी पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये तीनों सोइल से मिलते हैं प्लांट को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37। व्हाट डज द प्लांट नीड फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन? क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए? FeCa लाइट, FeMg लाइट, Fe4 आयरन, कैल्शियम एंड लाइट, आयरन, मैग्नीशियम लाइट, कैल्शियम, पोटेशियम लाइट या मैग्नीज कॉपर। तो जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए प्लांट को चाहिए होता है वो है आयरन, मैग्नीशियम और लाइट। अगर आपने कभी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर स्टडी करोगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा कि आयरन और मैग्नीशियम क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में कैसे काम आते हैं। उसका स्ट्रक्चर बनाने में आयरन और मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और लाइट की तो क्लोरोफिल को के लिए फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38। व्हाट एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम? जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम और आयरन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम के लिए मोलिब्डेनम की ज़रूरत होती है, MO। व्हाट आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर क्रॉप? ऑप्शन से NPK, BCHO, CNSMG, DKCAFE। तो जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं वो है NPK। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन से होते हैं क्रॉप्स के लिए तो ऑप्शन बी सही होगा। फ्रेमवर्क होते हैं CHO। फ्रेम वर्क और NPK आपके क्रिटिकल एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोजोमोनास, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? नाइट्रेट्स, अमोनिया जो है वो कन्वर्टेड होता है नाइट्रेट में बाय नाइट्रोजोमोनास, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या अमोनिफिकेशन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन 41। डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट कॉज रिक्लेमेशन एंड लिटिल लीफ डिजीज?
प्लांट्स में डिजीज़ होती हैं ये रिक्लेमेशन और लिटिल लीव डिजीज़, ये दो डिजीज़ के नाम हैं। तो ये किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होते हैं? जिंक, मॉलिबेडनम, बी कॉपर जिंक, सी कॉपर बोरॉन एंड डी मैंगनीज कॉपर। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉपर और जिंक। क्वेश्चन 42, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज रेफर टू एज इनहेरिटेंस, हेरिटेज, जेनेटिक वेरिएशन। तो जो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो उस प्रोसेस को कहते क्या है? उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 43, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड व्हेन? सेल को कब डिस्कवर किया गया था और किसने डिस्कवर किया था? शेक्वान इन 1885, टेटम इन 1664, रॉबर्ट हुक इन 1665, डी बेरी इन 1716। तो सेल को डिस्कवर करने वाले हैं वन एंड ओनली रॉबर्ट हुक इन 1665। आंसर सी सही हो जाएगा। सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, स्टार्च। ईजी क्वेश्चन, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, वेयर इज आरएनए प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल? आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल वॉल, राइबोसोम, डी साइटोप्लाज्म। तो जो आपके आरएनए प्रेजेंट होते हैं वो सी ऑप्शन सी, राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। सॉरी कहाँ थे हम? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज अ डाइजेस्टिव बैग? ऑप्शंस आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो डाइजेस्टिव बैग तो आपका हो गया लाइसोसोम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में सुसाइडल बैग पूछा जा रहा है तो भी आपका लाइसोसोम्स ही होगा। डाइजेस्टिव बैग स्लैश सुसाइडल बैग, ये आप दोनों आपके लाइसोसोम्स ही होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड? वैक्यूल के अराउंड मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? साइटोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 48, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम? ऑस्मोरेगुलेशन, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ राइबोसोम इन अ लिविंग सेल? न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम की लोकेशन क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज अ सेल विद इन अ सेल? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स। तो सबसे पहले सेल विद इन अ सेल होता क्या है? जिस ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का डीएनए होगा और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगा, उस ऑर्गेनेल को कहेंगे सेल विद इन अ सेल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। तो इसी के साथ यहीं वीडियो को आज एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।